कट ऑफ केवल पासिंग मार्क्स हो जाएगा तो उनका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले कट ऑफ के बारे में जानने के लिए पहले जान देते हैं पासिंग मार्क्स क्या है। देखिए जनरल लोगों का 40% पासिंग मार्क्स है। 40% कहने का मतलब कि 120 नंबर का एग्जाम होता है तो उसमें 48 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। बीसी के लिए 44 नंबर चाहिए, ईबीसी के लिए 41 नंबर चाहिए, एससी एसटी महिला और दिव्यांग तीनों कैटेगरी का पासिंग मार्क्स है 32%, यानी 120 का 32% निकालिएगा तो 38.4 आएगा, यानी 39 मार्क्स कम से कम होना ही चाहिए। अब बात आता है कि क्या इस सभी पासिंग मार्क्स में 5% का छूट मिलेगा, तो देखिए यह बात बीपीएससी की तरफ है। बीपीएससी अगर देना चाहती हो तो देगी, नहीं देना चाहती तो नहीं देगी। लेकिन बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात निकल कर आई है कि अगर दिव्यांग पास नहीं हो रहे हैं या कैंडिडेट पास नहीं हो रहे हैं तो उसमें हम कुछ छूट देंगे। वो छूट कब देंगे, जब 75% अगर पासिंग मार्क सीट फुल हो रहा है तो छूट नहीं देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो छूट दे सकते हैं। तो वह बीपीएससी के ऊपर है, उन्हीं के पास रिजल्ट है क्या वो पास विद्यार्थी कर रहा है या नहीं कर रहा है, अब बीपीएससी ही समझे। लेकिन हम आज इस वीडियो में छूट पर बात नहीं करेंगे। छूट देना होगा तो देगी सरकार, नहीं देना होगा तो नहीं देगी, वो सरकार के ऊपर है, बीपीएससी के माध्यम ऊपर है। अब बात कर रहे थे कि क्या कट ऑफ रहेगा। हाँ एक बात बता दूं कि ये जो कट ऑफ है विदाउट जो है बिना बीएड का है, ओनली फॉर डीलेट कैंडिडेट के आधार पर बनाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है बीएड हट ही गया है, थोड़ा सा लेपचा है, तो उस लेपचा के बाद केवल डीलेट वाला का रिजल्ट आएगा 1 से 5 में, तो उसी का कट ऑफ बताने वाला। देखिए कट ऑफ में सबसे ज़्यादा कट ऑफ वेज का जाता है, तो थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा है, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा, हो सकता है कि इससे कम हो जाए, लेकिन एक उम्मीद के अनुसार मेरा मानना है कि वेज का कट ऑफ 50 से 55 जाएगा। अगर 5% बीपीएच छूट देती है तो हो सकता है कि 5 नंबर कम हो जाए। उसी प्रकार डीडी जो है वीएच डीडी के कट ऑफ 47 से 52 जाने का उम्मीद है, और वीआई के कट ऑफ 43 से 48 जाने का उम्मीद है, और एमडी कैटेगरी मल्टी डिसेबल का कैटेगरी वो जो है सो आपका कट ऑफ पासिंग मार्क्स पर है, यानी 38 से ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर छूट देती है तो हो सकता है कि घसक कर 35 आ जाए, लेकिन छूट अगर नहीं मिलता है तो 38.4 से ऊपर ही उनका नंबर आ रहा है, तो समझिए कि आप सेफ हैं। ओएच कैटेगरी ओएच में फिर से एक बार कट ऑफ दोहरा देता हूँ, ओएच का 50-55 है तो कंफर्म समझिए, डीडी का 27 और 52 है, 47 से ऊपर है तो समझिए रिजल्ट आएगा, वीआई का 43 से ऊपर है तो समझिए रिजल्ट आएगा, एमडी कैटेगरी 38 से ज़्यादा है तो समझिए रिजल्ट आपका आ जाएगा। यह कट ऑफ दिव्यांग जनों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है कि इसमें कुछ 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, आप घबराइए नहीं, मुझे भला बुरा नहीं बोलिएगा, आपको अच्छा लगे तो भी ठीक, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक।